चुनाव के शौकीन कोरोना वायरस को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली में विकासखंड का मतदान 9 बजे शुरू किया गया। मतदान खतौली में मंडी स्थल मतगणना चल रही है। इस बार पत्रकारों को भी बैन लगाया गया है। मतगणना स्थल के बाहर लगी भारी भीड़ को पुलिस बल ने हटाया। मुजफ्फरनगर कोरोना वायरस के लिए जहां आमजन अपना व्यवसाय बंद करे हुए है, तो वहीं चुनाव के शौकीन कोरोना वायरस को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करना है, लेकिन वही व्यवस्था का इस वीडियो में खुलासा हो रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस सिर्फ डंडा दिखाकर उन्हें अलग नहीं कर पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई चुनावी नेताओं व दर्शकों ने धज्जियां। फिर उनकी बंजर बनाएंगे, अलग अलग करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप बंजर बनाएंगे 50-50 के, और उसके बाद एक सिक्वेंस से दो डिवाइड करके चार लोग करेंगे प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की काउंटिंग। आ जाओ सती जी। सभी जहां पर भी स्टाफ 5-6 आ गए, प्लीज मैं आप लोग से कह रहा हूँ, बच्चे की एजेंट के सामने बुलवाना सुनिश्चित करें। बस मिला ले कि सही बच्चे जी आपकी टेबल में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये सभी एजेंट लोग ध्यान में, टेबल नंबर 1 से 33 था, जिनके गांव की मतगणना चल रही है वही यहाँ रहेंगे। आपकी चेकिंग होने जा रही है और जो जिनकी बात तो उन्हीं को अंदर आ गए हो तो कृपया बाहर चले जाए। सभी मतगणना अभिकर्ता ध्यान दें, एजेंट लोग कर्मचारी आ गए हैं, गणना का काम शुरू हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई कर्मचारी जैसे अभी टेस्टिंग चल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के? हाँ, उनकी टेस्टिंग लगातार कराई जा रही है। जो भी कर्मचारी पॉजिटिव आ रहा है उनको रिजल्ट को रिप्लेस करके उनको। सर कोई पॉजिटिव पाया गया क्या? हाँ, 3 कर्मचारी अभी तक पाए गए हैं। उनकी व्यवस्था? उनकी व्यवस्था के क्रम में हम लोग बिल्कुल उनके घर होम आइसोलेट करा रहे हैं जी, और वो अपने घर में जाएंगे, होम आइसोलेट हो जाएंगे। उनकी जगह पर रिजल्ट कर्मी होने से दूसरे कर्मचारी को लगातार मतगणना काम शुरू करा दिया। कब तक चलेगी सर मतगणना? मतगणना हमारा पूरा विश्वास है कि हम उसे 10-11 घंटे में कवर कर लेंगे और फिर जो कुछ होगा आपके साथ में। कोरोना महामारी को देखते हुए क्या सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई? कोरोना महामारी को देखते हुए COVID-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मतगणना का काम शुरू कर दिया गया है। जिसके टेबल पर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, सब बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं और हम लोग जो है एजेंटों को भी बारी बारी से ला रहे हैं और उनके लिए भी पर्याप्त जगह बनाया है कि वो दूर दूर खड़े रह करके और सब मास्क और सैनिटाइज कराते हुए उनको अंदर कर रहे हैं। और प्रमोद जी अभी रिजर्व स्टाफ है तो प्लीज थोड़ा फॉरवर्ड करवा दीजिए जल्दी जल्दी जो भी है, क्योंकि टेबल नंबर 3 पे भी पर्यवेक्षक नहीं पहुंचा है। दो पर्यवेक्षक टेबल नंबर 3 के बाकी है, या तो हॉस्पिटल में या और एक गणना पर्यवेक्षक जाने की व्यवस्था की गई है।